फ्रीडा सीईओ जो है उनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई और उन्होंने इस पूरा जो एक इवेंट है उसका क्या पर्पस था हमें वो भी बताया। और एक पर्पस ये कुछ थी, यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करना है। यहाँ पर देखें खाने पीने के रिलेवेंट कुछ चीज़ें हैं। ये बादाम पड़े हुए हैं, ये किस चीज के बादाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खुबानी के हैं एक्चुअली जी। और ये खुबानी पड़ी हुई, खुश खुबानी, रूसी के बादाम पड़े हुए, जाफरान पड़ा हुआ जी, जाफरान। अच्छा। और हमारे अपने ऑर्चर्ड्स में ग्रो किए। अच्छा, सही। मुझे थोड़ा सा अपने स्टॉल के हवाले से बताइएगा। जी, मेरे स्टॉल का नाम गायनिक ऑर्चर्ड्स है। सही। और ये ब्रांड हमने अपने घर के प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल बनाने के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया। बेहतरीन। और हम ऑनलाइन सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, दे आर ऑल मेड इन गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा। एंड पर्टिकुलरली इन गुजाल। पर्टिकुलरली इन गुजाल। अच्छा, सही हो गया। मुझे थोड़ी सी इनकी प्राइजेस के हवाले से भी बता दें ताकि ऑनलाइन कोई भी जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। मुझे सबसे पहले तो बादाम का ही बता दें कि इनकी क्या प्राइस है। ये जो छोटी वाली है ये आपको 250 में मिल जाएगी। अच्छा, सही है। और जो ये वाली साइज है ये आपको 800 में मिल जाएगी और ये वाली साइज जो है आपको 1400 में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने स्टॉल के हवाले से बताइएगा। जी, मेरे पास सारे ऑर्गेनिकल्स वो ड्राई फ्रूट है क्योंकि ये सारे होम मेड है। अच्छा। ज़ाफ़रान में मतलब मैं खुद काश्त करती हूँ और अच्छा। ये होम मतलब सन से अंदर वो मतलब ड्राई किया हुआ है और ये हमारी गांव की ख़वातीन लोग ये शेद बनाते, प्योर शेद है। अच्छा, और ये ऑर्गेनिकल एप्रिकॉट ऑयल है और ये सिबिकटॉन है और ये सारे ऑर्गेनिकल ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, बेहतरीन है, बेहतरीन। और आपका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग टीसीएस वगैरह करते हैं? अच्छा। मतलब हर एरिया हर शहर में बेचते हैं। सही सही। और स्टॉल का नाम ज़ाफ़रान नाम के हैं। ज़ाफ़रान नाम के हैं। तो अगर आपने कुछ ऑर्डर करना हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन या टीसीएस के थ्रू इनसे ले सकते हैं। सो ये खाने पीने का स्टॉल था जो कि मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ पीडीडीसी की जो मैनेजर हैं उनसे और उनसे पूछते हैं इस इवेंट के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त पीडीडीसी की मैनेजर सादिया नुमान साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आज के इवेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेसिकली इस इवेंट को इतनी खूबसूरत जगह पे ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? इस इवेंट को इतनी खूबसूरत जगह पर ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद इस सीज़न में ये था। बेसिकली सीज़न एक मेन उसकी रीज़न है ऑटम, क्योंकि हुंजा का ऑटम इट्स रियली ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। और अभी जैसे हम कल से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक अभी पहुँचे हैं तो मतलब ये एक इतनी खूबसूरत इतना टाइम है इसको विज़िट करने का कि आई थिंक शायद समर या स्प्रिंग्स में भी ये इतना खूबसूरत नहीं लगता होगा जितना ये इस सीज़न में है। सो इसका पर्पज़ ये है कि हम टूरिज़म को इस सीज़न में भी यहाँ पर प्रमोट कर सकें, लोग यहाँ पर आएँ, इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हो इस सीज़न में भी और ओवरऑल वैसे भी, सो दैट कि जो यहाँ की लोकल कम्यूनिटी है उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेसिकली या टूरिज्म पे बेस्ड है या जो इनकी लोकल कम्युनिटी की प्रोडक्ट्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स की और उसके बाद कल्चर की उस पर बेस्ड है। सो पर्पज़ ये है कि यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करना, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना मेन पर्पज़ ये है। उसके लिए ये एक इनिशिएटिव अभी फर्स्ट टाइम लिया है समीरा की कोलेब्रेशन के साथ। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट की है और लोकल कम्युनिटी ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और वी आर प्लानिंग कि हम इसको इंशाल्लाह एनुअली करें सो दैट कि यहाँ पे एक ही एक्टिविटी कंटिन्यूस जनरेट हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद, चेयरमैन पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अपने नाजरीन के साथ जो ना ये शेयर करता चलूँ कि पसु एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसको जो ना टूरिस्ट का जन्नत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ करने का, एक्टिविटीज़ करने का मौका मौजूद है। यहाँ पे ग्लेशियर पे जाने का, माउंटेंस पे जाने का और सबसे ज़्यादा जो ना पशु कौन जो कि कराकोरम माउंटेन रेंज में 5 कैथीड्रल्स हैं और उनमें से ये एक है
फ्रॉम द केकेएच यू कैन सी दिस कैथीड्रल, और इसके दामन में बैठ के यहाँ पे टूरिज्म जितना भी जो ना टूरिस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके जाते हैं। तो टूरिज्म के लिए हमने फिर अभी मौजूदा टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ट्रैक्स जो ना हम निकाल रहे हैं, जैसे कि पहला ट्रैक हमने निकाल दिया जीप रोड टच द पशुकोन। अच्छा। वो एक राउंड जीप रोड हमने निकाल दिया। तो उसके बाद हमने बटूरा ग्लेशियर पे, लोग जाना चाहते थे अपने गाड़ी के साथ, वो हमने निकाल दिया है बटूरा ग्लेशियर पे। अच्छा, रास्ते भी आपने जो है वो बनाए अपने टूरिस्ट के लिए। हाँ, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमारी पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके साथ 14 और ज़ेली इदारे हैं, उनमें से हमारा पशु कंजर्वेशन एक इदारा है, उनके ताउन से उन्होंने फाइनेंस किया, किसी गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। ये टोटली अपना इनिशिएटिव है, हमने रोड निकाला है बटूरा ग्लेशियर पे ताकि जो है सयाह जितने भी आए वो अपने गाड़ी में जाएं और वहाँ से कुछ फासले पे जो ना वो वॉक करके ग्लेशियर टच कर सके। तीसरा चीज़ हमने ये किया है कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज फसु के अंदर है, वहाँ तक एक्सेस हमने दे दिया है, जीप रोड निकाला हुआ है, उसको थोड़ा बहुत हम जो ना उसको बेहतर बनाएंगे ताकि टूरिस्ट वहाँ तक जाए और उस सस्पेंशन ब्रिज को, जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, उसको भी लोग इंजॉय करें। नेचुरली नाइस, बेहतरीन है। फिर तो हमें आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप टूरिज्म के लिए इतना काम कर रहे हैं और उसको प्रमोट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। नेचुरली ग्रेट, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो मेजरली मुझे स्टॉल अट्रैक्ट कर रहा है वो है ये। यहाँ पे चाय बन रही है और चाय के साथ समोसे, और चूंकि इतनी ठंड है, एक्चुअली सुबह में बारिश भी हो रही थी और हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई है, फिर तो खैर शुक्र है अभी थोड़ा मौसम बेहतर हो गया, लेकिन ठंड की जो सूरत है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो आई एम गोना हैव चाय, चाय के साथ समोसे। इस अच्छे मौसम में समोसे ना हो तो ऐसे तो हो गए नहीं, और बड़ी अच्छी बात है कि समोसे हैं। और मुझे अच्छा देख के ये लग रहा है कि ख़वातीन माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं और इस स्टॉल को रन करी। अच्छा, मज़े की बात, एक्चुअली मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, यहाँ पे जितने सारे स्टॉल्स हैं उनको भी ख़वातीन ही देख रही हैं, जो कि मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि सी द वुमेन एम्पावरमेंट एलिमेंट ओवर हियर एज वेल। अच्छा, मुझे ना ये समोसों का बताइएगा, ये किस चीज़ के समोसे हैं? आलू के समोसे? जी, आलू के समोसे। आलू के? अच्छा, आप इनमें कुछ मतलब हमारे जो पंजाब के समोसे उनसे मुख्तलिफ होते हैं कि सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट डालते हैं इनमें या क्या होता है? नहीं, डिफरेंट नहीं डालते, जाहिर है लोकल है यहाँ। अच्छा। लोकल की तमाम मटेरियल लोकल इस्तेमाल सही है, तो टेस्ट में मेरे ख्याल से फर्क होगा। फर्क लाजमी बात है, फर्क होता है। चलें, सही है, बेहतरीन है, फिर टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि कितना फर्क है, किस तरह से। अच्छा,